गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद। मम्मी ब्लॉग्स में सभी का हार्दिक स्वागत है। सवेरे सवेरे देखो, आज सवेरे मैं नहा धो के ऊपर चले गई थी, थोड़ा पूजा वूजा करने के लिए फूल तोड़ने गई, तो इधर खूब सारे फूल लगे हैं और इतनी बारिश हो रही है। दो तीन दिन से लगातार से बारिश हो रही है। आज तो कल तो दिन भर रात रात को हो रही थी, आज सवेरे से रुकी नहीं रही है। और ये फिर मैंने दो चार फूल गुड़हल के तोड़ लिए थे पूजा करने के लिए। अभी देखो, एक महीना पहले यही वाला पेड़ एकदम सूख गया था, उसके बाद ये अपराजिता के दो फूल ही लगे हैं। कल तक तो पूरा नीला नीला हुआ रहता था, एक दो सफ़ेद फूल तोड़ी हूँ। आज बुधवार का दिन है आज, और गणपति महाराज का दिन, तो थोड़ा धूप भी रखेंगे उनके सिर में, तो इसलिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। अब मैंने पूजा वूजा कर लिया नीचे जाके, तो अब मैं सवेरे जल्दी से झटपट से नाश्ता बना रही हूँ, पराठे और सब्जी बना रही हूँ। आज अलग तरीके से सब्जी बना रही हूँ, आप लोग देखो। चाय बन गई मेरी अब, और आज तेल गरम किया मैंने, शिमला मिर्च और बीन्स एकदम बारीक बारीक करके काट के, और आलू थोड़ा बड़ा बड़ा काटा, क्योंकि कोई शिमला मिर्च नहीं खाता तो आलू खाएगा, इसलिए बड़ी टेस्टी होती है। इसमें नमक डाल के इसको ऐसे फ्राई करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे, इसको पकने देंगे 5-10 मिनट तक, और फिर उसके बाद पराठे के लिए हम पूरी लगाएंगे। आटा छान लिया, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा ये सूजी, मैंने थोड़ा घी डाल के बन रखा था ये, तो ये मिक्स कर दिया मैंने इसमें। इनको मुलायम करने के लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया है, गर्म पानी से गूंदूंगी आटा, फटाफट नरम भी हो जाता है और गूंद भी जाता है। चाय भी बन गई बड़ी टेस्टी सी, अब उठ के पियेंगे लोग बाग, फिर तैयारी होंगे स्कूल ड्यूटी व्यूटी जाने के लिए। और देखो, सभी का यही रहता है सवेरे का तो प्रोग्राम, सवेरे उठो, नाश्ता बनाओ, टिफ़िन बनाओ, नहाओ धो, झाड़ू पोछा, सवेरे का ही ज़्यादा काम रहता है। वैसे तो काम तो दिन भर, फिर खाना बनाओ दिन का भी। और मैं पराठे बनाने जा रही हूँ। एक रोटी मैंने, सबसे फर्स्ट रोटी तो मैं गाय के लिए बनाती हूँ, गाय की रोटी बन गई, और ये पराठा बना रही हूँ। थोड़ा लच्छेदार तो नहीं, खैर थोड़ा फोल्ड ओल्ड करके इसको अच्छे अंदर से लेयर बने रहते हैं, और ये बहुत कुरकुरा भी बना रहता है पराठा। और सब्जी भी इतनी टेस्टी बन रही है मेरी, अभी देखना आप लोग। सवेरे जल्दी से झटपट से बनने वाला नाश्ता है, आज छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, देख लेना आप लोग। और नाश्ता वास्ता बन रहा है सवेरे सवेरे, बाहर तो बहुत बारिश है, तो इसलिए इसमें मैंने सब्जी में मैंने हल्दी मिर्ची मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। अब इसमें मैं टमाटर सॉस डाली हूँ, थोड़ा सा सॉस डाल के फिर इसमें मैं थोड़ा चिल्ली सॉस डालूँगी, और फिर थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगी। और आज सब्जी बहुत चटपटी सी हो रही है, और दिन तो मैं मैदा गूंथ के मैदे के पराठे बना के उसके अंदर डाल देती, आज ऐसे सब्जी बना रखी है। ये कड़कदार पराठे हैं लेयर वाले, अभी बरसात के दिन ऐसे चटपटा खाने का मन करता है, बच्चे भी खुश। टिफिन के लिए पराठे बन गए मेरे, अपने नाश्ता भी बन गया, और अपने लिए मैं ग्रीन टी बना रही हूँ। मैं सवेरे उठ के गर्म पानी ग्रीन टी पीती हूँ, वो भी थोड़ा गुड़ के साथ, मेरे को गैस्ट्रिक हो जाती है, नहीं तो दूध वाली चाय पी के। तो
पहले सवेरे उठ के यही चाय पीती हूँ, उसके बाद थोड़ा आजकल ठीक है, फिर इससे थोड़ा फर्क पड़ रहा है। और देखो सवेरे का यही है प्रोग्राम आज, छोटा सा ब्लॉग पसंद करना आप लोग, कैसा लग रहा है बताना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना जो भी देख रहे हो। ये देखो कितने अच्छे लेयर बने हैं, अंदर से कुरकुरे पराठे बने हैं, और ये टिफ़िन रख दिया, टिफ़िन वालों के लिए टिफ़िन रख दिया। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग, दस आधे घंटे में मैंने ये नाश्ता पानी बना लिया, सवेरे का काम हो गया, अब मैं अपना चाय पीने जा रही हूँ। और चाय आई पीने के बाद फिर थोड़ा टांस पांस होगा, अन्य काम होगा। और आप लोग भी पसंद करना, खुश रहना और मेरा चैनल देखते रहना, और जो भी गलती होगी बताना। ये देखो बाय बाय करती हूँ, आप लोगों को भी बहुत बहुत